सो गाइस 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 यार, इंडिया इंडिया भारत ने उसके पड़ोसी को फेल दिया यार। द मैसिव टारगेट ऑल द हिस्ट्री इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट इन टी ट्वेंटी फॉर्मेट। क्रिकेट की हिस्ट्री में टी ट्वेंटी फॉर्मेट में इससे बड़ा टारगेट आज तक किसी टीम ने किसी को नहीं दिया। इन आईपीएल वीसा 282, 278, 272, 268, somehow like that. But यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर तो बलात्कार हो गया है। यार बांग्लादेश लाइक इतने कमजोर बॉलर भी तो नहीं है इनके पास ना, अच्छे खासे बॉलर है, 140, 138 प्लस बॉल करते। इंडिया ने इनके सामने टारगेट कर रख दिया है 297 ऑन द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। अभी ये क्या हो गया? ये तो अनर्थ हो गया। क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे अनोखा और सबसे खतरनाक में जनाब ये खिलाने वाला है। लाइक मैसिव टारगेट, पता नहीं कितने छक्के लगे, पता नहीं कितने चौके लगे, पता नहीं किस किसने क्या क्या किया है, बट संजू सैमसन ने एक ओवर में 5 छक्के मार दिए, दिल खुश हो गया। ठीक है, दिल खुश हो गया। हार्दिक पांड्या, उसने एक क्लासिकल शॉट्स लगाए, रयान प्राग ने क्लासिकल शॉट्स लगाए है, सूर्य कुमार यादव एज ए कैप्टन प्ले नॉक किया उसने। तो यार टारगेट जो है ना सबका बन गया है, मिक्सअप करके लाइक टीम कंट्रीब्यूशन में लिटिल बिट एक्स्ट्रा भी है, सबका होकर टीम टारगेट बनता है 297, द वर्ल्ड हाईएस्ट रिचेस्ट टारगेट 297। अगर इसे हम 2 रन और ले जाते तो ये बन सकता था 299, द टारगेट माइट बी 300। लाइक मुझे लग रहा था कि ये कोई ओडीआई का सीन चल रहा है, लेकिन जब मैंने देखा यार ये तो T20 है, T20 में ऐसा कोई कर सकता है क्या? लाइक अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल। किसी माइकल लाल ने आज तक इस तरह का सोचा नहीं होगा, लेकिन इन लोगों ने कर दिया। इंडिया टीम इज ऑन द नेक्स्ट लेवल, ऑन द नेक्स्ट लेवल यार। इनको पकड़ना है, इनको समझना है, इनको किसी के बस की बात नहीं है। क्रिकेट हिस्ट्री में 2 टीम ऐसी है, एक इंडिया और एक ऑस्ट्रेलिया, जो कि लाइक कहाँ से कहाँ पहुंच गई किसी को कोई आइडिया नहीं। ऑस्ट्रेलिया ट्रॉफीज पे ट्रॉफीज बना गई, इंडिया रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बना गई, लेकिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जब आमने सामने आते हैं तो टफ कंडीशन का मैच होता है। टफ टाइम देते एक दूसरे को, जीत कभी एक की तो कभी दूसरी की हो जाती है, बट टफ टाइम एक दूसरे को जरूर देते। इंडिया के सामने अगर और टीम्स आ गई तो यार पानी कम चाहिए, ऑस्ट्रेलिया के सामने अगर और टीम्स आ गई तो ठीक है मुकाबला कर लेती है, बट जीते हमेशा ऑस्ट्रेलिया है। इंडिया के सामने और टीम्स पानी कम चाहिए लेकिन वो इजीली जीत जाते हैं, बट ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ऑस्ट्रेलिया वो मुकाबला करके जीतती है, मतलब दूसरे को सस्पेंस में डाल कर जीतती है। इंडिया इजीली जीत जाती है, मतलब वन साइडेडली जीत जाती है इंडिया। अब अगर यहाँ पर बात करूँ तो यार संजू सैमसन 111 मीन्स 111 रन फॉर ओनली 47 बॉल, 8 सिक्सेस एंड 11 फोर्स। गिनते जाए अब कितने होते हैं, मैंने टोटल किया नहीं अभी तक। अच्छा फिर आते हैं अभिषेक शर्मा, जो के 4 बॉल पे 4 रन बनाकर आउट आउट। ठीक है, फिर आते हैं सूर्य कुमार यादव, 75 ऑफ 35 एज यूजुअल, वो जो ऐसा ही खेलता है एज यूजुअल, 8 4 एंड 5 माइटी सिक्सेस, वाओ। ठीक है, फिर आती है पारी रायान प्राक की, 13 बॉल 34 रन, नाम रोशन कर दिया है राजस्थान रॉयल का इस बंदे ने, ये बारी खेलकर 16 एंड 4 6 एंड 1 4। स्ट्राइक रेट जो है 200 प्लस, तकरीबन तकरीबन सबके, सिर्फ अभी अभिषेक शर्मा जो है 100 स्ट्राइक रेट पे आउट हो गए। अच्छा फिर आते हैं हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या से क्या ही बोले, क्या ही बोले, बंदा जो है ना 47 कर जाता है 18 बॉलों पे 4 छक्के 4 चौके, स्ट्राइक रेट है 261। मतलब रयान प्राग और हार्दिक पांड्या के स्ट्राइक रेट में सिर्फ पॉइंट्स का फर्क है, बाकी दोनों के लाइक 261.54, रायन प्राग 261.11, हार्दिक पांड्या। इसके बाद जिसने भी रन जो भी आए उसने इतना रन नहीं किया, लेकिन फिर बॉलिंग इतनी नहीं रहती, सिर्फ रिंकू सिंह आया और उसने मतलब 4 बॉल पे 1 छक्का लगाकर और 2 सिंगल लेकर गेम का इख्तिताम कर दिया। द वर्ल्ड क्रिकेट हिस्टोरिकल टोटल इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट इज नाउ 297, 298 इज द मैसिव टारगेट ऑफ क्रिकेट हिस्ट्री। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, बांग्लादेश टूट चुका है इंडिया के फैलने से, तो और क्या ही बोलूं, आज की वीडियो में बस इतना ही, दिल खुश हो गया है। लाइक मुझे लग रहा था कि हाईलाइट का मैं सेकंड वर्जन फास्टेस्ट वर्जन देख रहा हूँ, जो कि हाईलाइट का ही हाईलाइट है, बट ये असल में लाइव था, लाइव था। यकीन अभी भी नहीं आ रहा है बांग्लादेश।
T20 क्या ही बोले इंटरनेशनल में। आज की वीडियो में बस इतना ही, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय।